दोस्तों G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। G20 एक ऐसा मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मुद्दों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि G20 क्या है, पहले इसमें कितने देश हुआ करते थे और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों हमारा ये चैनल लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन पर आधारित वीडियो बनाता है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट जो है आपको नोटिफिकेशन में हमारे वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरुआत में इसे G7 ग्रुप कहा जाता था। इसमें कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन इसके सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद सन 1998 में रूस ने इसमें भाग लिया। 1999 में एशिया में बहुत ही आर्थिक संकट चल रहा था और उसके बाद जर्मनी के बर्लिन में G8 की बैठक की गई और उसी बैठक में G20 का गठन किया गया। 20 देशों का पहला सम्मेलन अमेरिका में वाशिंगटन में हुआ था। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है G20। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों का एक सम्मेलन होता है, जहां देशों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवसाय, निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत अन्य मुद्दों पर आपस में बैठकर देश जो है चर्चा करते हैं। इस बैठक के दौरान GDP में G20 देश की हिस्सेदारी करीब 85% होती है। इसके अलावा दुनिया का कुल 80% प्रोडक्शन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह का 75% हिस्सेदारी बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये हर साल होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हर साल नहीं होता है। 2008 में इसके गठन के बाद 24 साल में ये 18वां सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है। दोस्तों जानते हैं, आइए जानते हैं कि ये सम्मेलन कहां कहां और कब कब हुआ है। दोस्तों इसका सबसे पहला सम्मेलन जो है अमेरिका में वाशिंगटन में हुआ था। दूसरा सम्मेलन 2009 में 2 अप्रैल को हुआ था। तीसरा सम्मेलन दिसंबर के महीने में 2009 में ही हुआ था अमेरिका में। और चौथा सम्मेलन कनाडा के टोरंटो में 2010 में हुआ था। पांचवां सम्मेलन दक्षिण कोरिया के सियोल में और छठा सम्मेलन 2011 में फ्रांस में किया गया। इसका सातवां सम्मेलन 2012 में मैक्सिको में हुआ था। आठवां सम्मेलन 2012 में रूस में हुआ था। फिर नौवां सम्मेलन इसका 2014 में हुआ था। दसवां सम्मेलन तुर्की में हुआ था 2015 में हुआ था। 11वां सम्मेलन 2016 में चीन में हुआ था। 12वां सम्मेलन जर्मनी के हैमबर्ग में 2017 में हुआ था। और 13वां सम्मेलन 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। 14वां सम्मेलन 2019 में ओसाका में हुआ था। 15वां सम्मेलन सऊदी अरब में किया गया था। ये जो सम्मेलन हुआ था उस टाइम वो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था, क्योंकि उस टाइम कोरोना काल चल रहा था। इसके बाद 16वां सम्मेलन इटली के रोम में किया गया 2021 में। और 17वां सम्मेलन इसका इंडोनेशिया में 2022 में किया गया। 18वां सम्मेलन इसका सितंबर के महीने में, अब जो है 9 तारीख और 10 तारीख के बीच में, ये 2023 में भारत में दिल्ली में होने जा रहा है। दोस्तों इस संगठन का उद्देश्य विश्व स्तर पर चुनौतियों से जूझ रहे प्रत्येक देश के निजी मसलों पर बातचीत करना होता है और आपसी चर्चा करके उन मसलों का हल निकालना होता है, जिससे देश जो है प्रगति की ओर आगे बढ़े। तो आइए जानते हैं कि इस बार कौन कौन से देश हैं जो G20 में शामिल हुए हैं। दोस्तों G20 में शामिल होने वाले जो 20 देश हैं उसमें है भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, UK और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी G20 सम्मेलन का जो जानकारी है वो उनके तक पहुंच पाए। धन्यवाद।